हेलो मार्जिसेन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। हम आशा करते आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टूडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए मैडिशन, इकोनॉमिक मैग्नेटिज्म। सही सुना मैडिशन, इकोनॉमिक मैग्नेटिज्म क्या है? सबसे पहले हम आशा करते हैं आप सभी इस कोरोना काल में अच्छे और सुरक्षित होंगे बाबा हर हर महादेव की कृपा से। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स मैग्नेटिज्म। देखिए क्या मैडिशन इकोनॉमिक मैग्नेटिज्म। अगर पहले कहें हम साइंस में मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसे मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। यानी कि मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट बोलते हैं जब कोई वस्तु एक दूसरे को आकर्षित है। जैसे लोहा चुंबक को आकर्षित, लोहा चुंबक, इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। जिन वस्तुओं में चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं जो अब दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित, उसे मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैग्नेट और इस तरह के गुण को मैग्नेटिज्म। अब इसका इकोनॉमिक मैग्नेटिज्म क्या है? तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में बिजली दौड़ती है तो सर्किट के चारों ओर मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। अगर मैग्नेटिक निडे ले जाते हैं उसके पास, अगर उसके पास मैग्नेटिक निडे ले जाते हैं तो वो क्या होता है मैडिसन? तो क्या होता है मैडिसन? चुंबकीय सुई मैग्नेटिक मूव करती है। अब चुंबकीय सुई मैग्नेटिक निडे मूव करती है तो इससे पता चलता है मैडिसन, अच्छा अगर बिजली पैदा न होता तो मैग्नेटिज्म नहीं पैदा होता, लेकिन मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है इसका मतलब बिजली पैदा हो रहा है। और मैग्नेटिज्म पैदा हुआ तो देखिए दुनिया के जितने भी यांत्रिक कार, हाँ ये बात है, मैग्नेटिज्म कैसे पैदा हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से पैदा हो रहा है, तो वो बात अपनी जगह है। तो मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है वो क्या काम कर रहा है? वो क्या काम कर रहा है? मैग्नेटिज्म से मशीन घूम गया, चक्र चल गया, तो यांत्रिक ऊर्जा काम जनरेट हो गया, यानी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो गया, यानी मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी जब जनरेट हो गया तो मशीन काम करने लगा, और जब मशीन काम करने लगेगा तो प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो फिर यहाँ पे इकोनॉमिक साइक्लिक वे में चलेगी। प्रोडक्शन चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा फिर वही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरेट होगा, फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा तो सेविंग रेशियो जनरेट होगा, फिर सेविंग रेशियो जनरेट होगा तो फिर वही चीज इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा, फिर इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा फिर प्रोडक्शन जनरेट होगा, फिर प्रोडक्शन जनरेट होगा तो फिर मतलब कि साइक्लिक वे में चलेगा। लेकिन तभी होगा जब मैग्नेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में जनरेट कन्वर्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिस मैग्नेटिज्म जनरेट होने के जो भी रीजन हो, इलेक्ट्रिक सर्किट, टेम्परेचर, व्हाटएवर, तो मैग्नेटिज्म जनरेट जहां हुआ, मैग्नेटिज्म जहां जनरेट हुआ तो मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होगा, मैग्नेटिक एनर्जी जहां जनरेट हुआ तो फिर मशीन काम करेगा, और जहां मशीन काम करने लगा तो दुनिया की जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं सुई से लेकर एरोप्लेन तक, तो वो उस प्रोडक्शन से उस देश की इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि उस देश की इकोनॉमी का बेस क्या है? प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग इसमें, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग इसमें। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैग्नेटिज्म का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी कि देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इकोनॉमिक मैग्नेटिज्म, या देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैग्नेट। ओके भाई, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक मैग्नेटिज्म। ओके भाई, अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूरगा। और अगर नहीं तो विश्वर में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं, और मेरा मन आपके लिए, आपसे सभी सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट इज वेल। ओके वैसे तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक से, फिर किसी ने टॉपिक से,
टिल देन बाय बाय गुड नाइट सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव हर हर महादेव।